बाजार में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है और अभी जो सबसे बड़ी रिस्क है वो रिस्क ऑफ अननोन अननोन वेरिएबल्स की है कि एक क्राइसिस में एक बैंक पे दिक्कत आती है तो दूसरी बैंक में भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है धीरे धीरे करके जो बैंकिंग सेक्टर है ऑलरेडी लिवरेज सेक्टर है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फैलती है बढ़ती है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से अ यहां पे और मंदी गहरा सकती है हालांकि मैं मंडे के हिसाब से कहूंगा कि साइडवेज से डाउनवर्ड बायस का अंडरटोन रहेगा बट थोड़ा लंबा नजरिया अगर बनाते हैं एक दो हफ्ते का तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आपको 38000 37500 के लेवल दिखा सकता है मेरी से क्या डेवलप हुई है जो बड़ा एक और एक एक बड़ी हेडविंड और ग्लोबली क्या बाजारों से आ सकती है अब तक आप यूएस क्रेडिट वहां से देख रहे थे लेकिन अभी आप जर्मनी के डोशे बैंक और उनके सीडीएस में जो उनके उछाला है सीडीएस भी एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट होता है और आपको ये लीमन ब्रदर्स के इंस्ट्रूमेंट याद होगा सी डी एस सी डी ओस यहां पर जो सी यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ये एक इंस्ट्रूमेंट जो बॉन्ड होल्डर्स यूज करते हैं और इस समय सीडीएस के प्राइजेस बढ़ते चले जा रहे हैं आप ये अंदाजा लगाएं कि डोशे बैंक के जो सी डी एस जो चवालिस में बढ़कर उछाल अब वन के पार चला गया को वीक कर देता है और, और इंस्ट्रूमेंट होता है ये और इसी वजह से आप देख रहे हैं डॉयशे बैंक का स्टॉक भी आप देखें तो वो आठ परसेंट ज्यादा की गिरावट तो यूरोप से भी एक क्या संकट आ रहा है आ सकता है कितना बड़ा हो सकता है ओवर द एक डेवलपिंग न्यूज है जिस पर नजर लगातार रहेगी